हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रोजगार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आइए चलते हैं वीडियो पर। हरियाणा में 75% नौकरी के बारे में एक नई अपडेट आई है फ्रेंड्स। हरियाणा सरकार ने इसमें कुछ बताया गया है, आज की जानकारी बताई गई है। इसमें बताया गया है कि हरियाणा में निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% स्थानीय कोटे का कोर्ट में टिकना बहुत हुआ मुश्किल। जो 75% नौकरियां देने का है, जो उस कोटे को कोर्ट में टिकना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसमें बताया है कि सिर्फ निवास के आधार पर आरक्षण देना भेदभाव करने वाला होगा। इसमें हर्ष सालवे ने ये बयान दिया है और ये नई दिल्ली से अपडेट है फ्रेंड्स। इसमें बताया गया कि आरक्षण हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा रहा है। यह वोट दिलाऊ मसाला भी माना जाता है, इसलिए रूप बदल कर फैसला होता रहता है। हाल ही में हरियाणा सरकार निजी क्षेत्र में 50,000 रुपये तक के वेतन भी नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75% आरक्षण पर कानून लाई है, लेकिन इसका कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरना मुश्किल है। संविधान जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, साथ ही संविधान में प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता, कहीं भी बसने और रोजगार की आज़ादी का मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुसार निजी कंपनियां राज्य की परिधि से बाहर हैं। हरियाणा के कानून को कोर्ट में इन कसौटियों से गुजरना होगा, इसमें बताया गया फ्रेंड्स। और बताया कि हरियाणा में पहले आंध्र प्रदेश ने इसे लागू किया था, जिसका मामला हाईकोर्ट में लंबित है। कर्नाटक में भी ऐसा प्रयास किया गया था और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी ऐसा कानून लाने की घोषणा की थी, जबकि झारखंड चुनाव तैयारी में जुटा है। और देश के जाने माने वकील हरीश सालवे कहते हैं कि सिर्फ निवास के आधार पर आरक्षण होगा और उस सभी पर लागू करना साफ और असंवैधानिक दिखाई देता है फ्रेंड्स। और इसमें बताया है कि ऐसा नियम भेदभाव करने वाला है। हालांकि वह कहते हैं कि उन्हें हरियाणा के मामले और सारे तथ्यों की जानकारी नहीं है। सालवे की बात से साफ होता है कि हरियाणा के कानून को टिकने के लिए कोर्ट में संघर्ष करना होगा, क्योंकि यह मामला सरकारी नौकरी में आरक्षण का नहीं बल्कि निजी क्षेत्र में नौकरियों का आरक्षण है फ्रेंड्स। इसमें यह जानकारी बताइए कि जो ये मामला है सरकारी नौकरियों में आरक्षण का नहीं है, बल्कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण है। जो प्राइवेट नौकरी है उनके लिए 75% नौकरी आरक्षण है फ्रेंड्स, इसमें बताया है। और इसमें बताया कि आरक्षण का पेंच क्या है। संविधान में जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही और संविधान में प्रत्येक नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान की जाए। और बताया कि प्राइवेट कंपनियां राज्य की परिभाषा में नहीं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने बयान दिया है कि बताया कि भारत में पूर्व मुख्य न्यायाधीश R.M. लोढ़ा कहते हैं कि प्राइवेट कंपनियाँ संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परीक्षा में नहीं आती, उन पर मौलिक अधिकार लागू करने का दबाव नहीं डाला जा सकता और संविधान के डायरेक्ट प्रिंसिपल्स में रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है। इसके लिए कानून का उद्देश्य और प्रावधान देखना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि स्थानीय के लिए आरक्षण से बाहरी लोगों के अधिकार को तो प्रभावित होते ही हैं, यह जानकारी बताइए फ्रेंड्स। और इसमें बताया गया है कि यह निश्चित तौर पर ज़्यादा पेचीदा मुद्दा मुकिल रोहतगी कि पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतक जी कहते हैं कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर बड़ा मुद्दा है और महाराष्ट्र प्रॉपर्टी ओनर केस सुप्रीम कोर्ट 9 न्यायाधीश की पीठ में विचाराधीन है। उस केस में एक मुद्दा किया गया है, यह प्राइवेट रिसोर्स अनुच्छेद 39 के तहत आएंगे कि नहीं। इस मामले में सवाल आया है कि मकान मालिक किराएदार के केस और निजी संपत्ति की अधिकृत ही की जा सकती है। हरियाणा का मामला भी प्राइवेट इंडस्ट्री का है, इसलिए यह निश्चित तौर पर ज़्यादा पेचीदा मुद्दा है। संविधान में भेदभाव की मनाही है, इसमें बताया गया है। और बताया है कि आरक्षण अपवाद है, जिसकी पूरी अवधारणा पीछे छूटे लोगों को बरादरी पर लाना है। आरक्षण में कोटे यही देखता है कि तर्कसंगत वर्गीकरण है कि नहीं। और फ्रेंड्स, इसमें बताया कि पूर्व के फैसलों पर क्या हो रहा है, जो पूर्व के जो फैसले थे उनमें क्या हो रहा है और कोर्ट का रुख बताया गया। इसमें अगर पूर्व के फैसलों पर निगाह डाले तो 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप जैन मामले में सन ऑफ सोयल धरती पुत्र यानी निवास स्थान के आधार पर आरक्षण की चर्चा की थी फ्रेंड्स। इसमें बताया गया पूर्व के फैसलों के बारे में जानकारी दिया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यही जानकारी शेयर करनी थी। 75% नौकरी के बारे में जो निजी क्षेत्र में देने का
ये फैसला लिया गया है फ्रेंड्स। ऐसी कोई अपडेट आएगी आपको ज़रूर बताऊंगा फ्रेंड्स। में यही वीडियो शेयर करनी थी फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।